तो चलिए गाइस, अब आपको मैं दिखा देती हूँ मेरा रूम। रिसेप्शन तक तो आपने इसे पिछली वीडियो में देख लिया होगा। अब मैं आपको अपना रूम दिखाने जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट डे यहाँ का दिखाने जा रही हूँ मालदीव का। सो ये था मेरा फर्स्ट डे और रूम की एंट्री थी। और हंस रहे थे करके, क्योंकि मैंने इनको बोला था वीडियो बनाने के लिए और इनको बनाना नहीं आता है करके, इसलिए। सो यहाँ पे मैंने इनको कैमरा पकड़ा दिया था, तो ये दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरा टेबल है, स्टडी टेबल जैसा, मतलब हमारे यहाँ रूम्स में होता है, तो बेड की बैक साइड पे था। तो साथ में टी, कॉफ़ी, वाटर बॉटल थी और कॉफ़ी मेकर था। ये सब चीज़ें वहाँ रूम में, सब में अवेलेबल तो होती हैं सबके रूम में। और ये ड्रेसिंग एरिया था, ड्रायर वगैरह था, और यहाँ पे हम दोनों हैं ये। और इनको एक्चुअली वीडियो बनाना नहीं आ रहा था, तो मैंने इनसे फ़ोन ले लिया था उसके बाद। सो मैंने कहा चलो, आपको रूम दिखाना है तो थोड़ा अच्छे से दिखाना चाहिए। तो बेडरूम बहुत ही अच्छा था, मुझे डिज़ाइन उसका, इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमारे लिए लिखा गया था वेलकम एटमॉस्फेयर कानीफुशी रिजॉर्ट का जो नाम था। सॉरी गाइस, आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि इस रिजॉर्ट का नाम क्या है। सो रिजॉर्ट का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और पिछली वीडियो को भी मैं डाल दूँगी, तो सो आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बाकी का रूम देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसमें कबर्ड था जो टोटली खाली था, हम लोगों ने सामान अभी इसमें नहीं रखा था। लॉकर था, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो उसमें। छोटा फ्रिज था और उसमें सब आपका खाने पीने का सब था उसमें। और बस यही अपना एक्स्ट्रा वाइन्स वगैरह वो लोग प्रोवाइड करते हैं 2 टाइम की, क्योंकि हम लोग का पैकेज था, तो वो 2 टाइम प्रोवाइड करते थे। मॉर्निंग और इवनिंग के लिए पूछने भी आते थे, स्पेशली आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वैसे हमको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग पीते ही नहीं हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। रूम के बिल्कुल अपोजिट था वॉशरूम, ओपन वॉशरूम था हमारा। सो ये देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सो ये ऊपर की शैंडलर भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ का वॉशरूम एक्चुअली बिल्कुल ओपन था, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था। एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी थी ऊपर पे, एक एकदम हरियाली पेड़, और ऊपर से पानी की आवाज़ आ रही थी बीच की। और ये जाकूजी है जिसका मैंने बहुत अच्छे से फ़ायदा मैंने उठाया था, यूज़ किया था। और इसके साथ में ही यहाँ पे शावर है। और बस यहाँ पे मतलब आउटसाइड है वॉशरूम, रूम के बिल्कुल आउटसाइड पे है। और बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा मतलब कि माहौल था यहाँ का। सो यहाँ मैं हूँ और बस ये रूम तो यहीं तक था। उसके बाद में रूम की बैक साइड, मतलब कि रूम की जो मतलब बेड के अपोजिट है, ये बीच साइड था, मतलब इस साइड बीच था। और ये अपना मतलब टीवी वगैरह ये सब चीज़ें तो हर किसी के रूम में रहती है। यहाँ हम सब यहाँ से निकले बाहर, और बाहर का माहौल देखो गाइस, कितना सुंदर लग रहा है गाइस, सीरियसली इतना सुंदर है व्यू यहाँ का। आउटसाइड बैठने का, एकदम पानी की शोर जो है, और बाकी किसी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं, और इतनी शांति है ना, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। और एकदम रूम के बाहर वाइट कलर का रेत और इतनी हरियाली, और सामने ब्लू पानी, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसा फील हो रहा होगा। एकदम शांति फील हो रही थी। ये हमारा वहाँ का मतलब रूम था पूरा, जो विला था, हम अपना बीच विला था, और ये यहाँ पे हाई कर रहे हैं आपको। और यहाँ से रूम ऐसा दिखता है, और पूरा जो अपना विला था वो कुछ इस टाइप का था। सुंदर था, मतलब काफ़ी अच्छा था, नो डाउट, बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ आके। तो अभी टाइम हो गया था डिनर टाइम, तो ये हम लोग डिनर के लिए जा रहे थे। ये था नाइट का व्यू वहाँ का, बहुत सुंदर लग रहा था। सो हम लोग निकल पड़े थे डिनर के लिए। तो इसके बाद में हम आ गए डिनर लोकेशन पे, और डिनर का लोकेशन भी बहुत सुंदर लग रहा था। कैंडल लाइट डिनर्स था, साथ पे बीच था, बीच में ब्लू कलर का पानी, और उसमें फ़िश वगैरह इतनी दिख रही थी, सुंदर सुंदर ट्रांसपेरेंट पानी था, बहुत अच्छा लग रहा था माहौल। ये यहाँ
वहाँ पे एक मैंने फ़िश देख ली थी, स्नेक स्टाइल की फ़िश है ये, तो ये हमें मस्ती जस्ट वीडियो फ़ोटोशूट ये सब चल रहा था यहाँ पे। गाइस मैंने यहाँ पे ना फ़िश तो देख ली थी, वो स्नेक टाइप की फ़िश थी और मेरे को लग रहा था स्नेक, और हम लोग का बहस हो रहा था कि ये फ़िश है और कोई बोल रहा था स्नेक है, मैं बोल रही थी स्नेक और ये बोल रहे थे फ़िश है, पर एक्चुअल में ये फ़िश थी ना कि स्नेक था। सो अच्छा लग रहा था सब देख के। और ये हम लोगों ने ड्रिंक वगैरह डिनर वगैरह जो भी था सब किया अपना, काफ़ी अच्छी काफ़ी बूफे व्यू सिस्टम था वहाँ पे, काफ़ी वेराइटीज़ भी थी, तो हम लोगों ने जितना खा सकते थे जो लिया, हम लोगों ने पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह ये सब लिया था, तो बस यही सब खाया था हम लोगों ने। और ये है वहाँ का रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग बैठ के डिनर किए थे, तो बस अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल था, नाइट का व्यू काफ़ी अच्छा था वहाँ का, मतलब एकदम रिलैक्स वाला था। और ये तो जनाब यहाँ पे आके खाना खाने के बाद मैं जस्ट बैठी थी वीडियो बना रही थी और ये जनाब सो गए थे। देखो ज़रा उनकी रिलैक्सेशन कैसी है, देखो शांति से। डिनर के बाद गाइस मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो थे नहीं क्योंकि उसके बाद रूम में जाके हम लोग सो गए थे, तो ये मैंने कुछ क्लिप्स इसमें ऐड कर दिए, मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह करवाए थे तो वही मैंने इसमें फ़ोटोज़ कुछ ऐड कर दिए हैं। वो डिनर से रिटर्न था, ये रूम में आने के बाद के हमने कुछ सेल्फी फ़ोटोज़ वगैरह निकाले थे, कुछ पर्सनल मैंने सिंगल फ़ोटोज़ निकाले, और बस यही सब मैंने फिर ऐड कर। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।